हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल सब्जेक्ट का केयर ऑफ चेस्ट ड्रेनेज। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। चेस्ट ड्रेनेज थेरेपी इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ एयर, ब्लड, पल्स और अदर सिक्रीशन फ्रॉम द चेस्ट कैविटी। ठीक है, मतलब चेस्ट ड्रेनेज थेरेपी क्या होती है, जिसमें कि चेस्ट कैविटी से एयर, ब्लड, पल्स या अदर सिक्रीशंस को रिमूव करना। चेस्ट ड्रेनेज थेरेपी इज डन टू रिलीव प्रेशर ऑन द लंग्स एंड रिमूव फ्लूड दैट कुड प्रमोट इन्फेक्शन। ठीक है, तो चेस्ट ड्रेनेज थेरेपी किस लिए की जाती है, ताकि जो लंग्स में प्रेशर हो रहा बन रहा है उसको रिलीव किया जा सके और जो फ्लूड एक्युमुलेट हो रहा है उसको रिमूव किया जा सके, ताकि उसे इन्फेक्शन ना हो। उसके बाद में ये प्रोसीजर होता है, ड्रेनेज सिस्टम का, चेस्ट ड्रेनेज का, कि ऐसी इस पोजीशन में पेशेंट को रखा जाता है और जो चेस्ट ड्रेनेज है वो किया जाता है बैक साइड से। इसके इंडिकेशन, किस किस कंडीशन में चेस्ट ड्रेनेज किया जाता है, तो निमोथोरिक्स में, हीमोथोरिक्स में, थोरेकोटोमी में, या चेस्ट सर्जरीज में, या फिर चेस्ट ट्रोमा में। उसके बाद में प्रिंसिपल रिलेटेड टू क्लोज चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम। तो जो क्लोज चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है उसके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, तो सबसे पहले ग्रेविटी, ग्रेविटी कैसी होनी चाहिए, मतलब जो फ्लूड होता है वो हायर लेवल टू लोअर लेवल में जाता है हमेशा। ठीक है, तो फ्लूड फ्लो फ्रॉम द हायर लेवल टू लोअर लोअर लेवल, चेस्ट ड्रेनेज शुड बी केप्ट बिलो द लेवल ऑफ पर्सन चेस्ट। तो जो ड्रेनेज सिस्टम है चेस्ट ड्रेनेज का, उसको पर्सन की चेस्ट से, चेस्ट लेवल से नीचे ही रखना चाहिए। उसके बाद में पॉजिटिव प्रेशर, तो फ्लूड इन द चेस्ट कैविटी क्रिएट पॉजिटिव प्रेशर। जो फ्लूड होता है चेस्ट कैविटी में वो हमेशा पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करता है इन द प्लूरल स्पेस, प्लूरल स्पेस में। ठीक है, बिकॉज एयर मूव फ्रॉम द हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। ठीक है, तो एयर, क्योंकि जो एयर होती है वो हमेशा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ वो करती है। उसके बाद में सक्शन, तो सक्शन ए पुल फोर्स ऑफ लेस देन एटमोस्फेरिक प्रेशर क्रिएट्स ए सब एटमोस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, उसके बाद में टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, तो ड्रेनेज सिस्टम के कौन कौन से टाइप होते हैं। सबसे पहला चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम इन्वॉल्व फोर कंपोनेंट, तो फोर कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले होता है चेस्ट ट्यूबिंग, चेस्ट ट्यूबिंग होती है। उसके बाद में ये वॉल्व होता है जो कि अंडर सील या फ्लटर वॉल्व होता है। उसके बाद में कलेक्टर चैम्बर होता है। उसके बाद में सक्शन कंट्रोल डिवाइस होता है। उसके बाद में ये होता है वन बॉटल सिस्टम, चेस्ट ड्रेनेज का ये वन बॉटल सिस्टम है। इसके अंदर ये बॉटल होती है, इसके अंदर फ्लूड होता है कुछ अमाउंट में। ठीक है, तो वो टू पेशेंट या ना, टू पेशेंट, तो इधर से पेशेंट का फ्लूड है वो चेस्ट वॉल से रिमूव होकर यहाँ पर बॉटल में कलेक्ट होता है। ठीक है, और जो एयर होती है वो तो टू एयर और सक्शन, मतलब जो एयर होती है यहाँ पे एक्सेसिव एयर बॉटल में, उसको या तो वो रिमूव हो जाती है या फिर उसको सक्शन से रिमूव किया जाता है। उसके बाद में टू बॉटल सेक्शन, टू बॉटल सेक्शन में ये, इसमें टू बॉटल होती है इसको, इसलिए उसको टू बॉटल सेक्शन सिस्टम बोलते हैं, टू बॉटल सिस्टम बोलते हैं। तो फ्रॉम पेशेंट, तो फ्रॉम पेशेंट, पेशेंट से फ्लूड कलेक्ट होता है थ्रेप बॉटल में। ठीक है, चेस्ट, जो पेशेंट की जो चेस्ट है उससे फ्लूड ट्रेप हो रहा है थ्रेप बॉटल में। ठीक है, उसके बाद में एयर, एयर जो है वो अंडर वाटर सील बॉटल के अंदर जा रही है। उसके बाद में जो एयर है वो एटमॉस्फेयर में जा रही है। ठीक है, तो ये जो ट्यूबिंग है लास्ट वाली, ये तो या तो ये एटमॉस्फेरिक में एयर को सेंड करने के लिए होती है या फिर सक्शन करने के लिए होती है। उसके बाद में ये थ्री बॉटल सिस्टम, तो चेस्ट ड्रेनेज का ये है थ्री बॉटल सिस्टम। इसमें क्या होता है, सबसे पहले होते हैं ट्रेप बॉटल, उसके बाद में अंडर वाटर सील बॉटल, उसके बाद में मोनोमीटर बॉटल। ठीक है,
तो इसमें भी सबसे पहले पेशेंट का फ्लूड कलेक्ट होता है, उसके बाद में जो सेकंड बोतल होती है उसमें एयर जो होती है, एक्सेसिव एयर होती है वो जाती है, उसके बाद में थर्ड बोतल में भी एयर जाती है, ठीक है, और सक्शन करने के लिए भी ये काम में लिया जाता है। उसके बाद में केयर ऑफ क्लाइंट विद चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज, तो क्लाइंट की केयर कैसे की जाती है चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज में, तो सबसे पहले ये आफ्टर डूइंग हैंड वॉशिंग असेस द क्लाइंट, ठीक है, उसके बाद में है हैंड वॉशिंग के बाद में क्लाइंट को असेस करना, तो उसमें क्या करेंगे, पल्मोनरी स्टेटस देखते हैं, असेस द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, चेस्ट पेन, ब्रीथिंग साउंड, साइन सिम्टम ऑफ इंक्रीज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, साइनोसिस, एसिमेट्रिकल चेस्ट मूवमेंट, या प्रेजेंस ऑफ सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमिया, या फिर अराउंड ट्यूब इंसर्शन साइट ऑफ नेक साइट और या फिर नेक में, ठीक है, और हाइपोटेंशन या टैकीकार्डिया, तो ये सब असेस करते हैं। उसके बाद में वाइटल साइंस देखते हैं और पेन देखते हैं, ठीक है। सेकंड होता है ऑब्जर्व, ऑब्जर्व क्या करते हैं, चेस्ट ट्यूब ड्रेसिंग को ऑब्जर्व करते हैं एंड साइट अराउंड ट्यूब इंसर्शन, जिस साइट पे ट्यूब को इंसर्ट किया गया है पर्सन की चेस्ट में वो साइट को देखते हैं, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड है ट्यूबिंग ऑफ किंग्स, ट्यूबिंग फॉर किंग्स इंडिपेंड लूप्स और क्लोट, मतलब ट्यूब्स के अंदर कोई क्लोट्स तो नहीं हो गए, किंक तो नहीं हो गई ट्यूब, तो वो देखते हैं। सी होता है ड्रेनेज शुड बी अपराइट और बिलो द लेवल ऑफ ट्यूब इंसर्शन, ठीक है। उसके बाद में थर्ड में भी क्या देखते हैं, प्रोवाइड टू शेडेड हीमोस्टेट और अप्रूव क्लैम्प्स फॉर ईच चेस्ट ट्यूब, ठीक है। उसके बाद अटैच टू टॉप ऑफ क्लाइंट बेड विद एडेसिव टेप, ठीक है। चेस्ट ट्यूब आर ओनली क्लैम्प्ड अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस एज पर फिजिशियन ऑर्डर या हॉस्पिटल पॉलिसी, मतलब जो चेस्ट ट्यूब होती है वो क्लैम्प अंडर फिजिशियन ऑर्डर ही की जाती है, ठीक है, या फिर कोई इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग ही चेस्ट ट्यूब को क्लैम्प करते हैं, अदरवाइज चेस्ट ट्यूब को क्लैम्प नहीं की जाती है। टू असेस एयर लीक को असेस करने के लिए इफ देयर इज एक्सीडेंटल डिसकनेक्शन ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। उसके बाद में है सेमी, उसके बाद में पोजीशन क्या रखी जाती है, सेमी फॉलोअर पोजीशन टू इवैक्यूएट एयर, सेमी फॉलोअर पोजीशन रखी जाती है इन न्यूमोथोरिक्स में। उसके बाद में सेमी फॉलोअर पोजीशन इन ड्रेन फ्लूड टू ड्रेन फ्लूड, ठीक है। उसके बाद में मेंटेन ट्यूब कनेक्शन बिटवीन चेस्ट एंड ट्यूब इंटैक्ट एंड टेप्ड, ठीक है। उसके बाद में अवॉइड एक्सेसिव ट्यूबिंग और ट्यूब शुड बी लेड हॉरिजॉन्टल अक्रॉस द क्लाइंट बेड और चेयर बिफोर ड्रॉपिंग वर्टिकल इनटू द ड्रेनेज बोतल, मतलब जो एक्सेसिव ट्यूबिंग होती है वो नहीं रखनी चाहिए, एक्सेसिव ट्यूबिंग अवॉइड करना चाहिए, ओनली जो हॉरिजॉन्टल जो वर्टिकल पोजीशन में जो ट्यूब रखी जाती है, मतलब जो पेशेंट की चेस्ट से लेकर ड्रेनेज बोतल तक उतनी ही ट्यूब होनी चाहिए, एक्स्ट्रा में ट्यूब नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में इफ चेस्ट ट्यूब इज ड्रेन फ्लूड इंडिकेट टाइम दैट ड्रेनेज हैज बिकम ऑन ड्रेनेज बोतल एडेसिव टेप और ऑन रिटर्न सरफेस और डिस्पोजेबल कमर्शियल सिस्टम, ठीक है। उसके बाद में स्ट्रिपिंग और मिल्किंग इज डन ओनली इफ इंडिकेटेड, ठीक है। उसके बाद में परफॉर्म हैंड वॉशिंग, उसके बाद में इवैल्यूएट फॉर चेस्ट ट्यूब ड्रेसिंग किंक्स या क्लोट्स ड्रेनिंग पोजिशन, ठीक है, एजकल्टेट लंग एंड ऑब्जर्व फॉर सिमेट्री पेन एंड वाटर सील सिस्टम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा केयर ऑफ चेस्ट ड्रेनेज, ओके, थैंक यू।